हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इडियोजियम। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले चांद पर लैंडर से संपर्क नहीं होने पर क्या इसरो का डिसीजन हुआ है। तो चांद पर लैंडर से संपर्क नहीं हुए तो अब जो आगे जो क्या चंद्रयान 3 के जरिए इसरो इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि चंद्रयान 3 भी कंप्लीट हो जाए और चंद्रयान 2 से भी जो इनको मतलब इनका जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाए। तो अब जो है चंद्रयान 3 में दोबारा भेजे जा सकते हैं विक्रम प्रज्ञान। अगर विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सवाल सबके सामने है। जिस तरह से कि 95% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जो है अभी भी इससे संपर्क नहीं होने की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने से वजह से का जो ऑर्बिट है और विक्रम लैंडर है उनके बीच में कम्युनिकेशन इसरो को नहीं मिल पा रहा है। अब क्या इसकी जो है फ्यूचर योजना है इसकी, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिक लगातार चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से कम्युनिकेशन करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि चांद की सतह पर विक्रम की लैंडिंग के बाद से अब तक 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पाया है। इसरो के वैज्ञानिकों का प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है संपर्क करने के लिए, लेकिन ऑर्बिटल ने जो है इसका सारी जो इसकी तस्वीरें भेजी हैं कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि संपर्क हो जाए, लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और वैज्ञानिक सफल हों, और अब देखते हैं कि इसका क्या जो है रिजल्ट होता है। अगर नहीं हो पाता है ऐसा तो फिर क्या आगे एक्शन होगा, वो है चंद्रयान 3 में भेजे जाएंगे अपग्रेडेड विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। तो अब जो इसमें है कि अगर ऐसा कुछ और भी ज़्यादा अपग्रेडेड विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर होते तो शायद कम्युनिकेशन करना और आसान होता, लेकिन नहीं होने की वजह से भी शायद कुछ कमियाँ रही हो या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो चंद्रयान 2 को अपन असफल नहीं मान रहे, उससे जो भी इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको और यूज़ किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा और चंद्रयान 3 में इसको सफल बनाया जाएगा। इसरो के अकॉर्डिंग इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि अगर लैंडर से संपर्क नहीं हुआ तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का अपग्रेडेड यानी कि एडवांस वर्जन जो है वो चंद्रयान 3 में भेजे जाएंगे। चंद्रयान 3 में जाने वाले लैंडर रोवर से ज़्यादा बेहतरीन सेंसर, ताकतवर कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम, AI सिस्टम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है। ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें अच्छी एडवांस यूज़ की जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के सभी हिस्सों में बैकअप संचार प्रणाली भी लगाई जा सकती है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी जिस तरह इस बार हुआ है वैसा अगर होता है तो भी उसको काम में लिया जा सके। और इसमें एक और भी है जो है अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा जो है जापान की, वो भी चंद्रयान 3 में भारत के साथ इसकी हेल्प कर सकती है, यानी दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वे अपना सबसे ताकतवर रॉकेट S3 का उपयोग कर सकेगा। हालांकि अभी ये एक रॉकेट बनाया जा रहा है, इस मिशन के लिए भारत लैंडर और ऑर्बिटर देगा और जापान रॉकेट और रोवर की सुविधा प्रदान कराएगा। दोनों मिलकर जो है इसमें काम करने वाले, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जापान के ताकतवर रॉकेट की वजह से चंद्रयान 3 जल्द ही चांद पर पहुंच जाएगा, यानी जो ड्यूरेशन है वो कम होगा, इसकी वजह से जल्दी काम इसको कंप्लीशन मिलेगा। चंद्रयान 2 से मिले आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि चंद्रयान 3 मिशन किस आधार पर इसको आगे प्रोसीड किया जाए। इसरो में चंद्रयान 3 के बारे में तैयारियां हो चुकी है, लेकिन कोई अभी चर्चा नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि चंद्रयान 2 से मिले आंकड़ों के आधार पर चंद्रयान 3 का मिशन पूरा किया जाएगा। और चंद्रयान 3 की संभावित तारीख 2024 थी, लेकिन अब लग रहा है कि इस मिशन में जो थोड़ी देरी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है इसे दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों से पेलोड बनाने के लिए कहें। ठीक है, तो ये जो है चंद्रयान 3 की अभी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जैसे गगनयान रहा, मिशन जो शुक्र है, मिशन मार्स 3 जो सेकंड है, वो ये सारे जो है प्रोजेक्ट्स अभी भी इनको कंप्लीट करना है, तो शायद चंद्रयान 3 में थोड़ी देरी हो सकती है। और इसके लिए जो है जो गगनयान मिशन है उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स चुने भी जा सकते हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं कि किन जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसकी भी जानकारी हमने आपको दी थी। तो इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप एक भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।